ब्राइडफीड में पाकिस्तान काउंसिलर के सामने जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो सरापा एहताजा हैं आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया उसके खिलाफ जहाँ पाकिस्तान में एहत जारी है वहीं ब्राइडफीड में जो है इनका एहताज भी जारी है हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस फैसले को आप किस नजर से हैं जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया हम अवर सिद्ध इस फैसलों को नहीं मानते हैं ये सरासर इमरान खान के साथ जाती है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ जाती है हम इस गवर्नमेंट को भी नहीं मानते और जो इनके सिलेक्शन करने वाले हैं हम उनको भी नहीं मानते आप कौमों की ज़िंदगी में एक फैसला कुल मरहला आता है और जो आ चुका है इस वक्त हम जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सब ने यह फैसला किया है कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और हमारे मुल्क में जितने पाकिस्तानी हैं हम उनको ये अपील करते हैं कि अपने अपने लोकल चैप्टर्स में निकलें आवाज़ उठाएँ और अपना आप क्या, क्या कहेंगे इस वाले देखिए जी ये आज ये जो फैसला हुआ है इलेक्शन कमीशन ने दिया ये ड्रैकोनियन डिसीजन है उसका और ये पाकिस्तान की तारीख का स्या फैसला है जो पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं मानती आज पूरी पाकिस्तानी कौम सराप एहतजाज है बगैर किसी नोटिस के खान साहब के पूरी कौम सड़कों के ऊपर है हम ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस एहत में शामिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एहत में शामिल हैं कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी शेम ऑन इलेक्शन कमीशन ये फैसला आपने लोगों के साथ लोग जज्बा के साथ खेलने के लिए किया है और इस बात आपको शर्म आनी चाहिए इन शाह हम पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे और उसके ऊपर एहत करेंगे और कल इन लंदन में जा रहे हैं के है बाहर और वहाँ पर हम अपना पूरा मन एहत रिकॉर्ड करवाएंगे तो कल आप लंदन भी जा रहे हैं मेरे साथ पी टी आई बरतानिया के जो सदर हैं वो भी मौजूद हैं इमरान साहब आप किस नजर से इस फैसले को देखते हैं जी मैं ये देख रहा हूँ कि जितना लम ये फैसला कर कर इन्होंने दारों को बदनाम कर दिया है ना हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ शर्मिंदगी के बायस हमारे सर जो शर्म से झुक गए हैं कि कोई फैसले की नवीयत ऐसी नहीं थी जिस वजह से खांसा को वो नाहल करते इस पर हम कल मन इंतजार कर रहे हैं पी टी आई यू के जो है कल लंदन अम्बेसी में अपना इंतजार रिकॉर्ड कराएगी और अपने इदारों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली अपनी अदलिया और अपनी पाक फौज से कि ये वक्त है जागने का मुल्क की हिफाजत कौम की हिफाजत आप लोगों ने करनी है अगर जहाँ पे ज़्यादा और इम्पोर्ट हुत पर फैसले शुरू हो जाए वहाँ पे इंकलाब आता है मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तारा हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ में रखे ऐसा इंकलाब ना जाए खान साहब की काल पर कि लोगों की जान कुर्बानी देनी पड़े वो उन्नीस सौ सन्तालीस वाला जो शो है दोबारा शुरू नहीं होना चाहिए मेरा मुलक है इसकी हफाजत हमने करनी है और मुल्ल को बचाने के लिए इन शमरान खान के साथ खड़े हैं बचाने के लिए खान के साथ खड़े हैं सबक मेम्बर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियमेंट जो बरतानिया से है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आप अपनी जो यहाँ की सियासी आपकी ज़़ुण ज़़ुण है और आपका है उसमें आप इस फैसले को किस तरह से मैंने पाँच साल यूरोपियन पार्लियामेंट में हिस्सा लिया एस ए मेम्बर ऑफ यूरोपियन पार्लीमेंट मैंने देखा कि कैसे जमहूरियत चलती है ये गैर कानूनी फैसला हुआ है इसीलिए कल मैं कहूँगा सब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तादाद में पहुँचे लंदन आउटसाइड द हाई कमीशन ऑफ लंदन एट वन पीएम ये डेमोक्रेटिक नहीं है ये जमूरीत के खिलाफ है हम इसकी डेमोस्ट्रेट करेंगे तभी उनको पैगाम पहुँचेगा ये गलत है और कोई पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका ओके कुछ खातिन भी हमारे साथ मौजूद हैं हम इनसे भी बात करेंगे आज वर्किंग डे है उसके बावजूद अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर निकले हैं बारिश भी हो रही है कैसे आप आ, अपनी सपोर्ट का इजहार करेंगे? अस्सलाम वालेकुम क्योंकि हम लोग बहुत फिक्रमंद हैं जो आज इमरान खान इमरान खान के साथ हुआ है हम यही कह रहे हैं जो उन्होंने बयान दिया है वो वापस लें और उसको वापस अपने मुकाम पे आना चाहिए इमरान खान को इमरान खान हमारे लिए बहुत अहम है इमरान खान को हम ना तनहा छोड़ेंगे ना छोड़ाएँ ना छोड़ेंगे हम हम सब उसके साथ हैं और हम यहाँ रहने के बावजूद काम करने के बावजूद हम देखे हैं उनके लिए टाइम निकाल के हम बाहर निकले हैं और आइंदा भी निकलेंगे एक सीनियर पी टी आई की रुकन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद असल मैं ये कहना चाहती थी जो हमारी अदालिया ने फैसला किया बिल्कुल गलत किया ये वो जो कर रहा था उसको बहुत इनको डर आया कि ये बन जाएगा लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं उनके साथ बड़ा गलत सलूक आ रहे हैं वो बेचारा हमारी आवाम हमारे मुल्क के साथ लगा है वो गरीब आवाम की हेल्प कर रहा है लेकिन ये लोग जो पैसे वाले हैं ये बात तंग कर रहे हैं जी है। जैसा कि आपने जाना इन सब का ये कहना है कि जहाँ जिस तरह पाकिस्तान में जो है लोग सरापा एहत हैं इसी तरह और सीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये भी अपनी आवाज़ तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक इनको इनकी अपनी मर्जी का फैसला जो है वो नहीं सुना दिया जाता जी